हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये टॉपिक है स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में से कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बैक्टीरियल से होने वाले रोग। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे फैट के अंदर, वसा के अंदर कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं, वाटर के अंदर, पानी के अंदर कौन कौन से विटामिन घुलते हैं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर जो है बसे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आप बोल सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से मनोरंजन के जरिए ये सारी चीज़ें याद कराऊंगा, और आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। बस एक बार आप इन्हें लिख लेना, पीडीएफ मत मांगना इनका, लिखना इनके। जब आप इन ट्रिक्स को लिख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे बैक्टीरिया से होने वाले अगर हम रोग की बात करते हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग, तो हम उसे कैसे याद रख सकते हैं, उसका ट्रिक है टिंकू साड़ी में बनी है पटाका। क्या बारा है ट्रिक है, टिंकू साड़ी में बनी है पटाका। अब कोई नहीं भूलेगा, मुझे पता है सबको याद हो गया होगा टिंकू साड़ी में बनी है पटाका। और इससे हम कैसे याद करेंगे, देखो जो स्टार्टिंग का टिंक है ये वाला, यहां से बना है टिटनेस, कु से बना है कुष्ठ रोग, सा से बना है सिफिल्स, डी से बना है डिप्थीरिया, मे से बना है मेनिनजाइटिस, बी से बना है बोस्टुलिज्म, ठीक है बोट्यूलिज्म, नी से बना है निमोनिया, है से बना है हैजा, ठीक है, और पी से बना है प्लेग, पा से बना है प्लेग, टा से बना है टाइफाइड, और का से बना है काली खांसी। तो टिंकू साड़ी में बनी है पटाका और सारे जितने भी बैक्टीरियल डिसीज है हमने वो इस ट्रिक में कवर कर लिए। टिटनेस, कुष्ठ रोग, सिफिल्स, डिप्थीरिया, मेनिनजाइटिस, बोट्यूलिज्म, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। मजा आया, ट्रिक बेहतरीन थी। अब कर्क रेखा, सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती कहां से है, भारत के 8 राज्यों से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑन कैंसर जो है, इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दीज स्टेट्स आर, उन्हें हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। क्या है गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी, तो यहां पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग का जो ये गरम है, स्टार्टिंग का जो ये गरम है, जी से बना गुजरात, आर से बना राजस्थान, एम से बना मध्य प्रदेश, ठीक है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश कवर हो गया गरम से, ठीक है। चाय से बना है सी एच, छत्तीसगढ़, पूरा चाय से बन गया छत्तीसगढ़, जैसी से बना झारखंड, वाइफ से बना वेस्ट बंगाल, तेरी से बना त्रिपुरा और मेरी से बना मिजोरम। तो गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी, ये 8 स्टेट्स हैं जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है तो हमने 2 ट्रिक पढ़ी, एक तो टिंकू साड़ी में बनी है पटाका जो कि बैक्टीरियल डिसीज है, और गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक पसंद आ रही होगी ना, कि बेहतरीन तरीके से कुछ को तो याद हो जाएगी, जिंदगी में नहीं भूलेंगे कुछ को तो चाहिए ही, ऐसी थोड़ी गर्मा गर्म ट्रिक चाहिए होती है ना, कुछ लोगों को याद ही उनको इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वसा में घुलने वाले, जो फैट में घुल जाते हैं विटामिन्स वो कौन से हैं, उन्हें कैसे याद रखेंगे, तो उन्हें याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कीड़ा। क्या आप इन्हें कीड़ा से याद रखिए, किससे, कीड़ा से। तो जो ये कीड़ा है, ये कीड़ा में जितने भी विटामिन्स आते हैं ये फैट में घुल जाते हैं, ठीक है ये फैट में घुल जाते हैं, कीड़ा जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है कीड़ा, ठीक है, इसे ये वसा में घुल जाते हैं। के से बना विटामिन के, इसे विटामिन ई डी ए, तो कीड़ा से हम याद रख सकते हैं फैट में सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जो पानी में घुलते हैं वे कौन से हैं, वे है बी सी पी, बिपिन चंद्रपाल, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी, ये ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में घुलते हैं। तो कीड़ा है वसा में घुलने वाले, पानी में घुलने वाले है बी सी पी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी। अब आखिरी का ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो काणा बाप हवाई वेग से भागा, ठीक है काणा बाप हवाई वेग से भागा, तो का से बना कानपुर, ना से बना काना से बन गया कानपुर, बाप से बना है बक्सर, बाप से बना बक्सर, हवाई से बना, हवाई का जो है उससे बना है हरिद्वार, वेग से बना वाराणसी, ई से बना इलाहाबाद, से बना साहिबगंज और भागा से भागलपुर। तो काणा कानपुर,
बाप से बक्सर, हवाई हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, से साहिबगंज, भा से भागलपुर। तो ये कुछ राज्य है, कुछ प्रमुख नगर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, छोटी सी ट्रिक्स और बेहतरीन एकदम गर्मा गर्म ट्रिक्स के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मैथ्स की रिलेटेड ट्रिक्स देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उन ट्रिक्स को जरूर देखें, आपका दिन बन जाएगा और आपको मैथ्स लगेगा कि एकदम हलवा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।